आज मसाला किचन में बन रही है एक ऐसी सब्जी जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इस सब्जी के स्वाद के आगे ढाबे और रेस्टोरेंट की सब्जी भी लगेगी फीकी। मटर का सीजन जाता है और ये हरे हरे बूट आ जाते हैं और हमें सीजन की हर चीज खानी चाहिए। ये बूट इतने टेस्टी होते हैं कि आप कच्चे भी खा सकते हो, सैलेड में भी खा सकते हो और इस तरीके से मेरे तरह से सब्जी बनाकर देखिए, आपको बेहद पसंद आएगी। यकीन मानिए, कभी कभी जो ये सीजनल चीजें आती हैं उसे हमें जरूर खाना चाहिए। हेल्दी होने के साथ साथ स्वाद बड़ा होता है। आज हम बना रहे हैं बूट की सब्जी। बूट आप समझते हैं, जो चने होते हैं, काले चने, वो पहले जब ताजे होते हैं तो वो हरे रंग के होते हैं। उसी हरे रंग के बूट की सब्जी हम बनाएंगे आलू के साथ। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। तो चलिए सबसे पहले जो बूट हैं इन्हें हम छील लेते हैं। इनको हम चुन के इसके अंदर जो दाने हैं उन्हें हम निकाल लेते हैं। अभी हमें और क्या चीजें चाहिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो प्याज लिए हैं, दो टमाटर लिए हैं, दो हरी मिर्च लिए, एक इंच का टुकड़ा अदरक ले लिया है और 4-5 कली लहसुन की ले ली है। दो आलू लिए मैंने, छील कर उसे पानी में डाल दिया है। अब आलू को आप इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लीजिए। एक बार आप इस तरीके से सब्जी बनाएंगे ना, सचमुच आपको बहुत पसंद आएगी। अब सबसे पहले हम एक पैन लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। थोड़ा गर्म होने के बाद हमने जो ये मोटे मोटे आलू काट के रखे हैं उन्हें हम फ्राई करते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, फ्लेम को मीडियम रखना होगा, बहुत थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे थोड़ा ढक के पकाएंगे। इससे क्या होगा, ये पकेगा भी और आलू सॉफ्ट भी होगा। इस बूट की सब्जी को आप बिना प्याज के भी बना सकते हो, बिना कुछ डाले भी बना सकते हो, पर जब बच्चे कभी कभी खाना पसंद नहीं करते ना, उन्हें इस आलू के साथ बहुत अच्छा लगेगा कॉम्बिनेशन। आप इसे राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ बनाइए। इसमें मैंने कोई काजू, क्रीम, दही कुछ भी नहीं डाला, बस बनाइए इस तरीके से। यहाँ पर मैं प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और टमाटर, इन सभी को थोड़ा मोटा मोटा काट लेती हूँ। बीच बीच में हमें नजर रखनी है आलू पर भी। यहाँ देखिए, मैंने आलू को जब पलटा दिया तो हल्के गोल्डन कलर के हो रहे हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं आलू को। यहाँ देखिए, जब मैं पलटा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर के आलू हो गए हैं और 80% कुक हो गए हैं। इन आलू को हम निकाल लेते हैं। वैसे तो इस सब्जी को हम कुकर में बना सकते हैं, पर आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए। अब यहाँ पर देखिए, आलू को मैंने निकाल दिया है और जो काफी सारा ऑयल था उसे मैंने निकाल के अलग रख दिया। सिर्फ इस कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल रखा है, जिसमें मैंने मोटा कटा प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को सेकना शुरू किया। थोड़ा सिकने के बाद इसी के अंदर मैं मोटे कटे हुए टमाटर भी डाल रही हूँ। सभी को एक साथ हम सेकेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ। आपको ये याद रखना होगा, थोड़ा सा नमक हमने आलू के अंदर डाला, थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। बाद में जब नमक की बारी आए तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। थोड़ा सिकने के बाद इसमें 1/2 चम्मच मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया है और इसे पकाना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना हम अभी मेहनत नहीं करेंगे, अभी मोटा मोटा ही काट लेते हैं, क्योंकि वैसे ही मुझे ग्रेवी के लिए इसे पीसना है। ये देखिए, मैंने सारे मिश्रण को मिक्सी के अंदर डाल दिया। थोड़ा ठंडा करने के बाद पानी डालकर इसकी इस तरीके से ग्राइंड करके मिक्सी में पेस्ट बना ली है। चलिए अब शुरू होती है सब्जी को बनाने की ट्रिक। यहाँ पर जो मैंने ऑयल डाला है 2 चम्मच, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज पत्ता, करीब करीब 10 काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा है और ले रही हूँ 3 से 4 लौंग। इन सभी को हम सेक लेते हैं। ये सेकने के बाद हमें सारे मसाले बाहर निकालने होंगे, क्योंकि इस सब्जी का जो खास टेस्ट आएगा वो इसी तरीके से आएगा। अब जीरा तो नहीं निकल पाएगा, बाकी चीजें हैं उन्हें आप निकाल लीजिए। 1 चम्मच मैंने रखा है कसूरी मेथी, उसे हम बाद में मसालों के साथ डालेंगे। अब इस ऑयल में जो जीरा सिक चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ बहुत थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मतलब 1/4 टीस्पून के आसपास, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर और धीरे धीरे इन मसालों को मैं सेक रही हूँ। जब मसालों की सिकाई हो जाए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए जिससे ये मसाले जले नहीं। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर। मसालों की अच्छे से सिकाई हो गई, अब जो मैंने पेस्ट बना के रखी है मिक्सी में, उसे मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ।
पहले तो हमने सबको पका ही लिया था, इसको एक बार अच्छे से ढक के पका लीजिए। जब ये अच्छे से पकने लगे तब इसमें हमने जो आलू फ्राई कर रखे हैं उन्हें हम डाल देते हैं। ऐसा क्या होगा कि आलू भी इस मसालों के साथ रम जाएगा और जो बची हुई कसर है इसके कच्चेपन की वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी ये जो चने हमने छील के रखे हैं एक कटोरी, उसे भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अब यहाँ पर आप एक छोटी सी ट्रिक फॉलो कीजिए, जब भी आप इस तरीके की ग्रेवी बनाते हैं तो हमारी सब्जियों का कलर भी बरकरार रहे और ये सब्जी बहुत फटाफट भी बन जाए, आप दूसरी तरफ पानी को गर्म करके डालिए। अब आप यही सोच रहे होंगे जो हमने मसाला निकाला उसका क्या हुआ। अब बारी आती है उन मसालों की, क्योंकि उन मसालों को जब हम कूट के डालेंगे ना ऊपर से तो उसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आने वाला है। चलिए पहले इसमें नमक और डाल देते हैं, क्योंकि नमक पूरी सब्जी का एक बार डल जाएगा तो टेंशन खत्म हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ों को हम एक खलबत्ते में पीस लेते हैं। एक बार जब ताज़ा मसाला आप ऊपर से डालेंगे ना तो उसका स्वाद बहुत ही अमेजिंग आएगा। ये देखिए सारे मसालों को आप डाल दीजिए, बहुत ही फ्लेवरफुल सब्जी बनेगी। और धीरे धीरे सब्जी को पकने दीजिए। आपको ग्रेवी कैसी चाहिए जिस हिसाब से आप पानी डालिए। ढक के इसे 5-7 मिनट के लिए पकने दीजिए। चने बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। आलू तो हमने पहले ही पका लिया था, अब गार्निश कर दीजिए हरे धनिए की। लीजिए आपकी सब्जी तैयार है। चावल मैंने पहले से ही बना के रखे हैं। चावल मैंने कई बार आपको बताए हैं कि किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसे इस तरीके से सर्व कीजिए। जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। इसके साथ सलाद रखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल पर अगर नए आए हैं इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं।